ये जो चुनाव है ये मेरा चुनाव नहीं। मैंने जो इस्तीफा दिया था वो इस बात को लेकर के दिया था कि तीन कृषि के काले जो कानून बने और उससे जब देश में किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया और उनकी तरफ से एक मांग की गई कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति अगर हमारा समर्थन करना चाहता है तो वो पहले रिजाइन करके आए। हमारी पार्टी ने तो पहले दिन से समर्थन किया हुआ था, लेकिन जब ये बात आई थी तो मैंने अपने हलके के लोगों से आकर के मिल करके पूछा था कि आज जो है इस आंदोलन को और ताकत देने की ज़रूरत है और उसको ताकत इस बात से मिल सकती है कि अगर मैं विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ तो जहाँ ये आंदोलन मजबूत होगा वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं हरियाणा में जो कहीं ना कहीं किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनके चेहरे उजागर हो जाएंगे, वो नंगे हो जाएंगे। और मुझे लोगों ने खुल करके कहा था कि आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और मैंने लोगों की भावनाओं के अनुरूप विधानसभा से इस्तीफा दिया। और अब जब चुनाव आया तो इस चुनाव में भी मैंने हलके के लोगों के जुम्मे छोड़ा था कि आप ही फैसला करो कि आपके यहाँ से कौन चुनाव लड़े। तो हजारों लोग जो है एक पंचायत के रूप में इकट्ठा हुए, चोपटा में इकट्ठा होकर के उन्होंने अपना फैसला सुनाया और मुझे कहा कि आप फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ो। ये लड़ाई तो इलाहाबाद की जनता की और उन लोगों के खिलाफ है जो काले कानून बनाने में मददगार हैं, जिन्होंने काले कानून बनाए हैं। कांग्रेस ही दूध से धुले हुए नहीं है। कांग्रेस के लोग अब कहीं उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं, किसानों की बात करने लगे हैं। इन कांग्रेस वालों ने 2012 और 13 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। 2013 के लोकसभा के अधिवेशन के अंदर कांग्रेस की तरफ से बिल आया और उस बिल में इन्होंने खुल करके ये कहा कि हम इसको कानूनी अमलीजामा पहलाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था और भाजपा जो है इसका विरोध कर रही थी, लेकिन भाजपा के विरोध की बात नहीं थी, बात तो थी कि उनके पास अपना बहुमत नहीं था। जो सहयोगी थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसा कोई कानून आप इस देश में बनाओगे तो फिर आपका बिल गिर जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगी, आपकी सरकार चली जाएगी, हम समर्थन नहीं करेंगे। मजबूर होकर के उनको फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना पड़ा, ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। आज कांग्रेस ही कहते हैं कि हम जो है किसानों के समर्थक हैं। आज तो रोजाना इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। अभी आएंगे थोड़ी देर में कांग्रेस के लोग, शैलजा जी भी आएंगी, शायद हुड्डा भी आए, सुरजेवाला भी आए। उन तीनों से ये पूछना आप कि आप किस दिन बॉर्डर पे गए थे, आपने किस दिन जाके बॉर्डर पे किसानों का समर्थन किया। आप उनसे पूछना आप किस टोल पे जाकर के समर्थन करके आए। आपने तो जब पीपली के अंदर किसानों पे लठ बरसाए जा रहे थे तो कहा था कि जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा हम यहाँ धरना दे करके बैठ जाएंगे। हुड्डा से पूछना आप धरने के गए क्यों नहीं, धरना दिया क्यों नहीं आपने, अगर किसान के हितैषी थे तो फिर धरना देना चाहिए था। जब मैंने इस्तीफा दिया, अगर ये कांग्रेसी मेरे साथ इस्तीफा दे देते तो आज बाई इलेक्शन नहीं होना था, आज मध्यवर्ती चुनाव होते हर हालत में, क्योंकि 32 MLA अगर एक साथ इस्तीफा देते हैं उसका बहुत बड़ा प्रेशर बनता है सरकार के ऊपर, फिर हम 32 नहीं होते। फिर बहुत सारे और ऐसे MLA थे जो उस वक्त इतने डरे हुए थे जो हर हालत में इस्तीफा देते और ये सरकार गिर जाती। क्या सुनो आगे उसके बाद की बताता हूँ। फिर इसको कैसे बीजेपी की सरकार को ऑक्सीजन मिले, इसके लिए हुड्डा जो है आप पूछना कि आप किस लिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे।
किसानों को लेकर के चर्चा करने की बात थी तो अर्जेंट मोशन दे देते हैं, आप कॉलिंग अटेंशन देते हैं, आप जीरो ओवर में इस इशू को उठाते हैं, आप उसके ऊपर चर्चा करते हैं, बजाय ये सब कुछ करने के ये अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ गए और उससे वो 30-32 हुए, लेकिन उस सरकार को 6 महीने की ऑक्सीजन मिल गई। और जो लोग डरे हुए थे कहीं, जो चाहते थे कि किसी दबाव में इस्तीफा दे सकते थे, उन लोगों को राहत मिल गई, वो लोग भी कहीं ना कहीं से बच गए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है पूर्ण रूप से बीजेपी के हाथों की कठपुतली है, उनके हाथों में खेल रहा है। आज बीजेपी जेजेपी का तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज ऐसी हालत है कि जब गांव में जाएंगे वोट मांगने तब लोग एहसास कराएंगे उनसे इस बात का, खास करके कि आपका जो फैसला है, जो 3 कृषि के काले कानून आपने बनाए हैं, ये हमारे लिए मौत है, हमारी डेथ के वारंट है, हम आपको किसी कीमत पे अपना वोट नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस को भी लोग साथ के साथ सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी की हालत तुम्हारे सामने है। आज जो है इनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है। एक आदमी 10 दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन करता है, कांग्रेस वाले उठा करके उसको टिकट दे देते हैं। एक आदमी पहले दिन बीजेपी ज्वाइन करता है और बीजेपी वाले उसको टिकट दे देते हैं, तो दिवालिया पिट गया कि नहीं पिट गया इनका, या कुछ बचा है इनके पास? आपका चौथा, आप ये पूछना उनसे। नहीं नहीं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप उनसे ये पूछना कि क्या सरसा जिले में, क्या एलनाबाद के अंदर कोई ऐसा कांग्रेसी नहीं मिला तुम्हें जिसको तुम अपनी पार्टी का टिकट दे करके चुनाव लड़वाते? बीजेपी वाले तो बेचारे, कल आपने हालत देखी थी उनकी, तो वो तो बड़ी मुश्किल से जान छुटा करके भाग करके गए। इनसे जरूर ये बात पूछना कि तुम्हारे पास कैंडिडेट नहीं था, तुम्हें किसी आदमी पर भरोसा नहीं था, अगर भरोसा करते किसी पे तो फिर कांग्रेस का उम्मीदवार आना चाहिए था, ना कि पैराशूट से उतारने वाला उम्मीदवार आना चाहिए। कांग्रेस में भी गुटबाजी सामने आ रही है, भरत सिंह बेनीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, समर्थकों को मीटिंग बुलाई। भरत सिंह पुराना कांग्रेसी है, भरत सिंह को तब तो मेरे सामने बलि का बकरा बना दिया था जब बाई इलेक्शन था, लेकिन अब कोई, मैंने भरत सिंह के जो सोशल मीडिया पे उसने अपने एक वो बना रखा है, उस पर लिखा है, आपने वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसने लिखा है कि संघर्ष हारा पैसा जीता है, तो इसका मतलब टिकट तो पैसे से आई है। कांग्रेस ही तो अपनी टिकटें पैसों से बेचते हैं, जो लोग टिकटें पैसों से बेचते हैं वो किसान के कैसे हमदर्द हो सकते हैं? लोकतंत्र तो जिंदा बचेगा 3 तारीख को जब नतीजा आएगा, 2 तारीख को, उस दिन जिंदा होगा। आजकल चौके लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? देखते हो कि नहीं देखते मैच? आजकल IPL चल रहा है ना, तो चौका लगेगा, अभी छक्का भी मारूंगा, चिंता मत करो।